मुझे तो गंगा ने बुलाया है। ये नजारा किसी गांव की कच्ची सड़क का नहीं है, ये नजारा है उस मोक्षदायिनी माँ गंगा का जो सदियों से लोगों का उद्धार करती आ रही है। ये नजारा है उस माँ गंगा का जिसके तट पर कभी नरेंद्र मोदी खुद चलकर आए थे और कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। पीएम मोदी की वही माँ गंगा आज वाराणसी में मानो कह रही हो मुझे बचा लो। हालात ये हो गए हैं कि जगह जगह उभरते रेत के टीले मानो माँ गंगा के घाव की तरह लग रहे हों। ये हालात तब हैं जब पहली बार माँ गंगा को दयनीय स्थिति से उभारने के लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया है और 20,000 करोड़ का बजट भी रखा गया था, लेकिन फिर भी हालात नहीं बदले। शायद इसी वजह से साध्वी उमा भारती से यह मंत्रालय लेकर नितिन गडकरी को दे दिया गया है। और ये भी सोचने वाली बात है कि जिस गंगा में वो क्रूज चलाने की तैयारी कर रहे थे, उस गंगा में आज गाड़ियां और बाइक फर्राटे भर रही हैं। ये जो गंगा का पूरा किनारा है, ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ इंजिन बनेगा और वाटर पोर्ट बनेंगे। फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, गाड़ियां, इसके साथ साथ 5-star, 7-star क्रूज घूमना शुरू हो जाएगा। अब लोग रेलवे और हवाई जहाज से जाने के बजाय पानी से जाने की शुरुआत होगी। जिस वाराणसी से खुद पीएम मोदी सांसद हो, उस जिले में गंगा की हालत देखकर खुद काशीवासी भी हैरान है। जैसे बीच नदी में टीले बन जा रहे हैं बालू के, नदी में पानी कम होता जा रहा है, स्थिति कभी ऐसी देखने को मिली थी आपको 66 साल में? नहीं, इतना नहीं सर, इधर पानी बहुत ज्यादा है इस बार। ज्यादा है? हाँ, इधर पानी ज्यादा है। क्या वजह लगता है आपको? वजह हमको ये लगता है, सरकार जगह जगह बंधा बांध दे रहा है। बंधा बांध दिया तो पानी तो रुक गया उधर, अब इधर थोड़ा रवा पानी उसी में चल रहा है। इधर पानी भी कुछ है तो कुछ सरकार जगह जगह नहरें बना रखी है खेत में पानी भरने के लिए। वो बंदरगाह देख रहे हैं, वो बंदरगाह वहाँ है पानी का खिंचाव खेती करने के लिए। फिर उसके आगे जाइएगा तो भयंकर है, भयंकर बना हुआ है पानी खींचने के लिए। गंगा में कार से फर्राटे भर रहा शख्स भी माँ गंगा की हालत पर हैरान है। गाड़ी लेकर के गंगा के किनारे फोर व्हीलर क्या सूझा? नहीं, कुछ सूझा नहीं, बात है अस्तित्व की। जहाँ तक बात रही, आज माँ गंगा का अस्तित्व खतरे में है और उसी के लिए आज हम यहाँ पे आए थे देखने के लिए। मुझे पता चला कि माँ गंगा का पानी जो है एकदम गंगा में सूख चुका है और लोग अपने मोटरबाइक वगैरह से घूम रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी चल के देखूँ, तो मौके पे आके देखा कि मैं अपनी कार से भी यहाँ विचरण कर पा रहा हूँ और पानी एकदम सूख चुका है और नाम मात्र का पानी अब गंगा जी में रह गया है, अस्तित्व पे सवाल है। इस मामले पर जब यूपी राज्य गंगा समिति के सदस्य और BHU के मदन मोहन मालवीय गंगा शोध केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर BD त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने गंगा की इस हालत के लिए जगह जगह बने हुए बांध को जिम्मेदार ठहराया है। सर, गंगा में टीले जो पड़ गए हैं, क्या कारण आप मानते हैं? क्या गंगा में टीले पड़ने के जो कारण है वो ये है कि गंगा में पानी का प्रवाह कम होता चला जा रहा है और पानी के प्रवाह को कम होने का जो कारण है वो ये है कि उत्तराखंड में जो हेड स्ट्रीम्स हैं गंगा की, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी, इसके मुख्य धारा के ऊपर हमने बांध बना रखे हैं, उनकी वजह से पानी रोका जा रहा है। गंगा जब नीचे आती है तो भीमगौड़ा केनाल के माध्यम से गंगा का पानी हम दूसरे प्रदेशों को सप्लाई कर रहे हैं और आगे जब हम बढ़ते हैं तो गंगा के दोनों किनारों पर हमने इरिगेशन के लिफ्ट केनाल्स बना रखे हैं और लिफ्ट केनाल की वजह से जो है पानी को सक करके और उसकी सप्लाई कर रहे हैं सिंचाई के लिए। और पूरे गंगा बेसिन में जो भूजल का दोहन हो रहा है, उस दोहन की वजह से भूजल का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है।
गंगा की हालत तब है जब मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं उम्मीद है कि आने वाले 1 साल में मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे नितिन गडकरी गंगा के निर्मल प्रवाह को बरकरार रखने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे।